हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है क्रिकेट हिस्ट्री में एक मैच ऐसा भी था जब बैट्समैन बॉलर पर इतना गुस्सा आया कि ग्राउंड के बीच बॉलर पर बैट फेंक कर मारने की कोशिश की। चलो ये फिर भी अलग अलग टीम के खिलाड़ी थे, पर आईपीएल के एक मैच में फैंस ही स्टेडियम में ऐसे गपागप WWE जैसी फिजिकल मारपीट पर उतराए कि मतलब आप यकीन नहीं करोगे, ऐसी मारपीट हुई कि मैटर पुलिस स्टेशन तक चला गया। वेल, क्रिकेट के इतिहास में ऐसी हुई फिजिकल फाइट और उनके पीछे के रीजन हम जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। किरण पोलार्ड एंड मिशन स्टार्क। ओ तेरी ये क्या, किरण पोलार्ड ने सीधा मिशन स्टार्क की तरफ बल्ला उछाल कर फेंक दिया। अरे भाई, अब तो लड़ाई पक्की। मतलब क्यों, किस लिए? स्टार्क ने 6.5 फीट लंबे चौड़े बाहुबली से पंगा ले लिया। वेल, 6 मई 2014 की आईपीएल की एक मैच में उतना मजा नहीं आया था जितना इनकी गर्मा गर्मी और बल्ला फेंका फेंकी में आया था। मतलब इस मैच में हुआ यूं था कि पोलार्ड बैटिंग पर आते ही स्टार्क ने पहले गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली और 6.5 फीट लंबे चौड़े बाहुबली को बाउंसर देकर कुछ तीखे अपशब्द कह दिए। तीखे शब्द सुनते ही पोलार्ड की जो किसकी, उसने तो दूसरी ही बॉल पर स्टार्क को बीच रनर में ही रोक दिया, जिससे स्टार्क गुस्से में होकर बॉल को पोलार्ड के पैरों में फेंक दिया, जिससे पोलार्ड और गुस्सा हो गए और पोलार्ड ने भी बल्ला फेंक कर ताबड़तोड़ जवाब दे दिया। मतलब दोनों गुस्से से लाल हो गए। इंडिया अंडर 19 विस बांग्लादेश अंडर 19 फाइट 9 फरवरी 2020 साउथ अफ्रीका में खेले गए इंडिया विस बांग्लादेश अंडर 19 वर्ल्ड कप की फाइनल मैच में हुआ, जहां किसी ने नहीं सोचा था कि क्रिकेट जिसे जेंटलमैन गेम कहते हैं वो खेलते खेलते जेंटलमैन से बदल कर लपंगे तरंगे कली छाप क्रिकेट में बदल जाएगी। मतलब जैसे ही बांग्लादेश के खिलाड़ी ने चौका मारा, बांग्लादेश के सारे प्लेयर्स और स्टाफ सब के सब व्हील पर आकर जश्न मनाने लगे और जीत के जोश में होश कर इंडिया वालों से भिड़ कर हाथापाई करने लगे, जहां सारा मैदान क्रूज क्षेत्र में बदल गया था। मतलब दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लग गए। मतलब माना कि तुम जीत के जोश में हो, लेकिन काय को जीत के जश्न में लपड़ा करके जश्न बिगाड़ने का। कमाए हुए पैसे गए ना, शुक्र करो बैन नहीं हुए, वरना पैसे के साथ साथ करियर का भी बाजी बाला हो जाता। क्राउड फाइटिंग। अरे भाई जरा संभल के, भाई रुक जा, नहीं मारते, नहीं नहीं, इनको छोड़ने के चक्कर में मुक्के पड़ गए। मतलब यार कौन है ये जायर लोग, शायद दोनों अलग अलग टीम के सपोर्टर्स होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सब दिल्ली के सपोर्टर्स थे जो आपस में ही टीम के खराब परफॉर्मेंस के कारण भिड़ गए। मतलब दिल्ली और पंजाब के मैच के दौरान दिल्ली का प्लेयर्स का अच्छा नहीं खेलने पर ये अमीर बाप के गरीब लौंडे जिन्हें क्रिकेट का सी तक नहीं आता, ये प्लेयर्स पर गंदी गाली गलौज देकर टिप्पणी करने लग गए। जैसे कि अबे यार, ये बॉल पर ऐसे शॉट मार रहा था, ये लेग का बॉल था। ये वो लोग हैं जो आज तक बैट तो नहीं पकड़ा, पर बैट का हैंडल पकड़ते पकड़ते अपने आप को क्रिकेट का बादशाह समझने लगे। पर इनकी गाली गलौज पर इनके परिवार के साथ बैठे अंकल ने 4-5 बार चुप रहने के लिए बोला, पर ये टहरे अपने बाप की नामाकुल औलाद, कहाँ किसका कहना मानने वाले थे। फिर हो गया दंगल शुरू, जिससे लोग मैच छोड़ के इन्हें देखने लग गए और आप यकीन नहीं करोगे, ये मैटर पुलिस स्टेशन तक चला गया था, जहां इन लोंडों को चक्की पीसने की नौबत से इनके बापों के पैसों ने बचाया। वेल, ये थे कुछ क्रिकेट हिस्ट्री से जुड़े कुछ ज्यादा ही बेहतरीन लड़ाई झगड़े जिसमें प्लेयर्स और फैंस दोनों फिजिकल मारपीट पर उतर आए। अब आप कमेंट करके बताएगी इनमें से आपको कौन सी फाइट सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।